अपने न्यूट्रल्स को यह कहना चाहता हूं कि देखें ये जो बातें कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान के ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए, पहले मैं मुझे जरा इन लोगों से सबसे पूछता हूं मैं कि लोग क्या ये सरदारी और नवाज शरीफ मेरे पे गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे? वो लोग जो जिनके हर सब कुछ पर, क्या वो लोग जो एक सरदारी हुसैन अकानी के साथ अमेरिकनों को कह रहा है कि मुझे पाकिस्तानी फौज से बचा लो, वो मेरे पर मुकदमा करेगा गद्दारी का? और क्या वो नवाज शरीफ जो इस मुल्क में सजाए याफ्ता जो पकड़ा गया पैनामा के अंदर, जो इसने बेटी के नाम पे 4 अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज लंदन में ली थी, सजाए याफ्ता मफरूर झूठ बोल के बाहर भागा हुआ, क्या वो मुझे फैसला करेगा कि मैं गद्दार हूं? मैं आज सारे अपने पाकिस्तानियों से कहना चाहता हूं कि देखें ये जो साजिश है ये इमरान खान के खिलाफ सिर्फ इसलिए है कि इमरान खान अगर हटता है रास्ते से तो रास्ता साफ हो जाता है इस तरह के लोगों की जो इस मुल्क का पैसा लूट के बाहर लेके जाए। ये वो लोग हैं जो 30 साल से हुकूमत कर रहे हैं पाकिस्तान में। 2 खानदानों ने 30 साल हुकूमत की है, शरीफ और सरदारी खानदान ने, और मुल्क को मकरूज इमरान खान ने किया। 30 साल आपने हुकूमत की है, हमने मुल्क को मूदर से ऊपर निकाल के सस्टेनेबल ग्रोथ यानी कि सही रास्ते पर लगाया, पटरी पर चलाया, साजिश से गवर्नमेंट करवा के। और अब जब इन्होंने देखा कि सारी कौम आज इस साजिश को समझ बैठी है, इसके खिलाफ है इन गद्दारों के और चोरों के, तो आज ये कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को रास्ते से हटाए गद्दारी का मुकदमा करके।